वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम कुर्ती बनाएंगे, स्टाइलिश कुर्ती, डिजाइनर कुर्ती फिटिंग के साथ। और इसके लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, ये रियोन फैब्रिक है। और इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये यहाँ से हमारा ये लंबाई है इस तरीके से, ये जो किनारी है, और यहाँ से हमारा जो अर्ज है, इसका अर्ज जो है वो 56 इंच है। चेस्ट की चौड़ाई अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से फोल्ड में बिछा देना है। 12 इंच ले रही हूँ मैं, 16 इंच इसकी लेंथ लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा है एक्स्ट्रा पार्ट, इसे हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसे 16 इंच का लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस तरीके से दोनों साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकल जाए इस तरीके से। चेस्ट हमारी 36 इंच है, तो 9 इंच 4 फोल्ड में, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 12 इंच फोल्ड करके इस तरीके से मैंने इसे बिछा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, ये हमारा इस तरीके से ओपन पार्ट है और ये हमारा बंद पार्ट है। बंद साइड की तरफ से इस तरीके से 7 इंच शोल्डर लेंगे और आर्म होल 7 इंच लेंगे। जितना शोल्डर है उतना ही हम आर्म होल लेंगे और इस तरीके से बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे और हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरीके से 9 इंच और 2 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमारा मार्जिन रहेगा। अब यहाँ से देखिए, वेस्ट लेंगे 8.5 इंच और यहाँ से 2 इंच मार्जिन रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है इसे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई देंगे, आर्बोल की गोलाई लेंगे और ये फिटिंग के साथ हमारी बहुत ही सुंदर कुर्ती बनके तैयार होती है। दोस्तों, आपको इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी फिटिंग आएगी। और इसके लिए देखिए, ये 1/2 इंच हम अंदर की साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन रखेंगे फिटिंग के लिए, ताकि हमारी अच्छे से फिटिंग आए, और इस गोलाई देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखिए 1/2 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से 3 इंच गले का नाप लेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ये गले की जो कट लगाएंगे और इसे कटिंग करके इस तरीके से देखिए, ये हम अंदर की साइड से साइड में करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए, ये जो हमने गोलाई ड्रॉ करी है उसी अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हम आस्तीन लेंगे। आस्तीन के लिए देखिए, 4 फोल्ड में मैंने ये इस तरीके से बिछा दिया है और हम कटिंग करेंगे। आस्तीन की चौड़ाई 9 इंच लूँगी इस तरीके से। 9 इंच चौड़ाई क्यों लिए हैं ये मैं आपको बताऊँगी आगे। और इसकी अब लेंथ लेंगे 16 इंच। अब देखिए दोस्तों, हमने इसकी चौड़ाई ली है 9 इंच और इसकी जो लेंथ आस्तीन की 16 इंच ली है। और देखिए, 2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। जितने भी आपकी चेस्ट है, उस चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच मेरा आ रहा है, तो इसलिए मेरी चौड़ाई 9 इंच लेंगे। और दूसरा तरीका है दोस्तों, जितनी भी हमारी जो आर्मोल है, आर्मोल 7 इंच है, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी आस्तीन की चौड़ाई लेनी है। अब देखिए, इस तरीके से हमारा ये 4 फोल्ड में ये फेब्रिक है, ये जो हमारी ओपन साइड है। नॉर्मली हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग लगाएंगे इस तरीके से। अगर आपके चेस्ट 30 इंच है तो आप 2.5 इंच पे मार्क लगाइए। नॉर्मली आप 3 इंच पे मार्क्स लगाएंगे, तो इस तरीके से देखिए, ये जो आर्मोल है हमारी 7 इंच थी, तो 1/2 इंच हम ऐड करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब हम देखिए, यहाँ से गोलाई लेंगे इस तरीके से, गोलाई देंगे। अब देखिए, ये हमारा मार्जिन है और इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम देखिए, हम हमारी आस्तीन की गोलाई लेंगे। गोलाई है हमारी 5 इंच, 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेंगे, जितना हमारी ऊपर की साइड मार्जिन है उतना हम ले लेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों को मिला लेंगे।
ऊपर की साइड से हल्का कट लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से 1/2 इंच गोलाई लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी गोलाई ले लेंगे इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो हमने ये गोलाई ले ली है। अब देखिए हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और जो हमने गोलाई ली है उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए हमारी गोलाई ये इस तरीके से आई है। जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी ये आस्तीन रेडी है। अब इसे साइड में करेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे ले लेंगे और हम बॉटम की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं फुल लेंथ 43 इंच रखूँगी। कुर्ती की जो लंबाई है वो तो इस तरीके से हमें ऊपर की साइड से 16 इंच इस तरीके से छोड़कर हमें बॉटम की नाप लेनी है। तो 43 इंच हम लेंगे, फुल लेंथ लेंगे, ताकि हमारा ये 2 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो 43 इंच हमें इसे रखना है पूरी लेंथ और 2 इंच मार्जिन जाएगा। इन दोनों में से एक पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट हमने बराबर से लिए हैं इस तरीके से। अब मेरे पास जितनी भी चौड़ाई थी उतनी उसी अकॉर्डिंग ले लिए हैं मैंने। तो 2 मीटर फैब्रिक में जितना भी बचता है उतना मैंने बॉटम पार्ट में ले लिया है। तो एक पार्ट को इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है और बीच में से इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये 2 पार्ट बन जाएंगे। अब देखिए इसे कैसे सेट करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले देखिए हम ये फ्रंट पार्ट लेंगे कुर्ती का और इसके गले की सेट करेंगे। तो गला बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी। देखिए हमारा 3 इंच गला है। तो इस फैब्रिक को इस तरीके से जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे ले लेना है। 3 इंच पे मार्किंग करनी है जितना हमारा गला है उसी अकॉर्डिंग। और 2 इंच हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसे बॉक्स तैयार करना है। देखिए 3 इंच का बॉक्स तैयार करेंगे हम इस तरीके से और बीच में हम गोलाई लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे और साइड से भी हम 2 इंच की गोलाई लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने गले की कटिंग कर दी है। अब हम देखिए ये टॉप पार्ट लेंगे और इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से हम सेट करेंगे और पिनअप कर देंगे। अब इसकी इस तरीके से हम इसकी स्टिच लगा देंगे। यहाँ से मैंने देखिए इस तरीके से इसकी स्टिच लगा दी है। अब इसे इस तरीके से कटिंग करके छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर इसे पलट के टॉप के स्टिच लगा देंगे। अब देखिए हम टॉप के स्टिच लगा देंगे और पीछे की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा गला बनके सेट हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये गला अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। पीछे की साइड से भी आप तुरपाई कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। अब देखिए हम इस टॉप पार्ट पे बॉटम पार्ट को इस तरीके से सेट करेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम इसकी स्टिच लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको इसे सेट करके दिखा देती हूँ और उसी अकॉर्डिंग हम इसकी स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट लेने हैं और इसी अकॉर्डिंग इसे बराबर करते हुए और उस पर भी इसी तरीके से हमें दोनों पार्टों को सेट करना है। इस तरीके से प्लेट लेते हुए ये देखिए इस तरीके से हमें सेट करना है इसे। मैंने ये 2 इंच चौड़ाई वाले इस तरीके से स्ट्रिप ली है और इसे इस तरीके से देखिए फोल्ड करेंगे
और यहाँ पे हम सीधी साइड अटैच करेंगे, और सीधी साइड ऊपर की साइड से दोस्तों हमें दूसरी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम लगाएंगे, और दोनों साइड से इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। दोनों साइड से किस तरीके से हमें सेट करना है वो मैं आपको स्टिच करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी। इसकी आधी साइड से हमें मेन फैब्रिक अटैच करना है तो हम स्टिच करेंगे तब इसको बताएंगे। तो देखिए चलिए अब हम इसको साइड में करते हैं। अब देखिए हम जो हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट को इस तरीके से हम बीच में प्लेट ले लेंगे और साइड से हम छोड़ देंगे। इस तरीके से हमें इसे सेट करना है बैक पार्ट। यहाँ पे हम स्टिच लगा के इसको रेडी कर देंगे। अब देखिए ये हमने जो फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग की थी उसी अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करके बैक पार्ट पे लगा देंगे। देखिए गोलाई लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और इसी को हम बैक पार्ट पे लगा देंगे और गला सेट करेंगे। ये वाली स्ट्रिप इस तरीके से जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे किया था उसी अकॉर्डिंग हम इस पे रेडी कर देंगे। अब देखिए 2-2 इंच का इस तरीके से हम लेंगे और ट्रायंगल शेप में हम इसकी डिजाइन तैयार करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप ट्रायंगल तैयार कर सकते हैं और इसे कुर्ती पे सेट करेंगे तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से भी इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। अब देखिए हमने बैक पार्ट के गले को हमने इस तरीके से देखिए सेट कर लिया है स्टिच लगा के, और हम इसके नीचे की साइड से बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को हमने प्लेट लेके रेडी कर दिया है। अब इसे साइड में कर देंगे हम। इसे मैंने अटैच करके इस तरीके से सेट किया है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसको इसके साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ से देखिए हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है और जितना भी हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम इस साइड से प्लेट ले लेंगे। इस तरीके से देखिए सेंटर बिंदु लेते हुए अभी हमारा जितना भी फैब्रिक बचा है उसके हम छोटे छोटे प्लेट ले लेंगे। आप चाहे तो बड़े भी ले सकते हैं, आप चाहे तो बॉक्स प्लेट भी ले सकते हैं। इस तरीके से किसी भी तरीके से आप इसे यहाँ पे प्लेट ले लेने हैं। आपको जितना भी फैब्रिक बचा है उसी अकॉर्डिंग हमें प्लेट ले लेने हैं।
अब देखिए इस पार्ट पे मैंने इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। अब दूसरे पार्ट पे हम जो हमारा टॉप पार्ट है उस पे हम इस तरीके से मेन फैब्रिक को ऐड करते हुए हम इसे स्ट्रिप लगा देंगे। इस तरीके से देखिए ये हमने इस तरीके से लगा दिए हैं साइड से, तो ये हमने रेडी कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिप मेन फैब्रिक से लगानी है। तो ये दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। आप देखिए